मेरे साथी ने एक जो प्रश्न पूछा है इसमें कोई संदेह नहीं है, न शक है। और एक साथी ने बड़ी शिद्दत से कहा कि मेहनत की है हम लोगों ने, और काफ़ी मेहनत के बाद हम एक उस व्यक्ति को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं जो इस दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो इतना बड़ा मसला है, हम बार बार तमाम बिंदुओं पर CBI में भी गए हैं, हम LG के पास भी गए हैं, और इस मसले पे भी दिल्ली कांग्रेस कमेटी जाएगी। न्याय नहीं मिलेगा तो कानून के पास भी जाएंगे, क्योंकि ये दिल्ली की जनता का पैसा है। दिल्ली के साथ धोखे का विषय भी है और आर्थिक नुकसान का विषय भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, और एक साथी ने सवाल कहा था सिद्धार्थ जी ने, आपसे हम सहयोग चाहते हैं। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाके इस बात को कह रहा है, लेकिन पत्रकार बंधुओं से मैं अजय जी के बिहाफ पर ही अपील करना चाहता हूँ, ये दिल्ली के बेहतरी के लिए दिल्ली के लोगों का पैसा है जिसको व्यर्थ में लूटा गया है और उस पर वाहवाही लूटी गई है, तो इसको आप भी सहयोग करें जिस उद्देश्य के लिए आपको यहाँ बुलाया है। स्वाभाविक है, इलेक्शन आयोग की औपचारिकता है, स्टार कैंपेनर्स के लिए देनी होती है। आपने जिक्र किया JP नड्डा जी और तमाम उन लोगों का। साथियों, 15 साल से भाजपा MCD में, ये चुनाव MCD का है, निकाय नगर निगम का चुनाव है। सवाल ये उठता है कि 15 मेयर भाजपा ने दिए हैं, 8 साल अरविंद के पास ये दिल्ली है, ये शहर प्रदूषण को झेल रहा है, ये MCD के जो बड़े बड़े कूड़े के जो कुतुब मीनार, जी मेरी टिप्पणी नहीं है, कोर्ट की टिप्पणी है, ये किसकी देन है? तो सवाल ये उठता है कि इस पर जवाब इनके मेयर्स को देना है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को देना है। हमारे नेता इस मंच पर भी हैं जिन्होंने दिल्ली को संवारा, दिल्ली को चमकाया। अजय माकन जी यहाँ हैं, शीर्ष नेतृत्व यहाँ हैं, कुछ साथी फील्ड में हैं, मंत्री, हमारे XML, XPARSAD, XMAYOR घर घर जाके कैंपेन कर रहे हैं, और मुझे लगता है नगर निगम के लिए कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली का नेतृत्व है वो सक्षम है दिल्ली के विषय पर सवाल पूछने के लिए और चुनाव लड़ाने के लिए। लेकिन ये भी कटु सत्य है, कांग्रेस परिवार है, हमें वरिष्ठ नेताओं का सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, वो भी कैंपेन में उतरेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।